संगीत को मोहब्बत की जुबान भी कहते हैं। इसमें खास ताकत होती है और लोगों को जोड़ने की शक्ति होती है। अच्छा म्यूज़िक आपको सुकून देता है और शांति प्रदान करता है, साथ ही यह अपनी भावनाओं को जाहिर करने का एक खूबसूरत जरिया है। इसी से जुड़ा एक प्यारा सा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल मामला इटली के एक शहर का है, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर सड़क पर बैठकर ही मेलोडियन बजा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि स्टेफन बोजिन को जब अस्पताल ने उनकी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त नहीं दी, तो उन्होंने फैसला किया कि वह अस्पताल की इमारत से बाहर सड़क पर बैठकर मेलोडियन पर वाइफ का पसंदीदा गाना स्पेनिश आइज बजाएंगे। किसी ने इस लम्हे को कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो इंटरनेट पर छा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेफन स्टूल पर बैठे मेलोडियन बजा रहा है। उनके चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी है। उनकी नज़रें इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की को निहार रही है, जहां से उनकी पत्नी उन्हें देख रही है। फेसबुक पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वैलेरियो नाम के यूज़र ने इसे शेयर किया है। इसके बावजूद कोरोना महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते हॉस्पिटल की इमारत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। यही वजह रही कि उन्होंने स्टेफन को अस्पताल में नहीं जाने दिया। बता दें कि 81 वर्षीय स्टेफन इटली की आर्मी से रिटायर्ड हैं। उनके सर की टोपी उनकी वर्दी का ही हिस्सा थी कभी। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।